कांग्रेस नेतृत्व फिलहाल वामपंथ के उसी महापोज में फंसा हुआ है और अपने जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझा नहीं पा रहा। कांग्रेस को जो झटके लग रहे हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, अरविंद सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कांग्रेस की नैया लगातार डूबती हुई नजर आ रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, दो चरण बीत चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को जो झटके लग रहे हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, अरविंद सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। सबसे पहले उन्होंने प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और उम्मीदवार उदित राज कन्हैया कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। तो क्या अरविंद सिंह लवली का इस्तीफा देने की वजह कन्हैया कुमार है या दूसरे प्रत्याशी हैं? अरविंद सिंह लवली से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने अचानक चार पेज की चिट्ठी नहीं लिखी है, एक दो दिन से मन विचलित चल रहा था, मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैंने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन व्यवहार ऐसा किया जा रहा है जैसे मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया हो। पद पर रहूंगा या नहीं रहूंगा, जब मुझे लगा कि मैं अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं और कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दिलवा पा रहा हूं, तो जिम्मेदारी छोड़ दी। देखिए, चुनाव में फैसले को लेकर लवली ने कहा है कि हमारी पार्टी तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा, मैंने एक खत पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा था, वो पत्र मैंने किसी को नहीं दिया था। ये भी देखने की स्थिति है कि वो खत सामने आया कहां से। खत लीक हो जाता है और दो घंटे में आप फैसला भी ले लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ मुझे कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनाव से पहले आनंद फानंद में इस्तीफा दिया। मैं चिट्ठी बाद में देता हूं, लीक पहले हो जाती है और दो घंटे में इस्तीफा भी मंजूर हो जाता है। अरविंदर सिंह लवली का जो दुख है ना, वो उनके चेहरे पर, उनके बयानों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं को 5 महीने पहले हाथ जोड़ जोड़ कर बाहर निकाला था, वो आज जब मुझसे सवाल करते हैं तो मेरे पास उनके लिए जवाब नहीं होता। मैं किसी पार्टी नेता पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, ना ही मैंने अपनी पार्टी को किसी नीति के खिलाफ बयान दिया है। मैंने तो सिर्फ यही कहा कि सिस्टम में काम नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपने अध्यक्ष से ऊपर क्या बन सकता था। मैंने अपनी उम्मीदवारी को लेकर पहले ही स्पष्ट कर दिया था, मैं चुपचाप बैठकर अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता था। देखिए, उनका कहना है, उनका जो दर्द है वो यहां खत्म नहीं हुआ, छलकता चला गया। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर चुनाव हार जाती तब भी मुझ पर बात नहीं आती, क्योंकि सबको पता था कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी का कोई रोल है ही नहीं। मैंने अपने लिए नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए इस पद को छोड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चुनाव में जो उम्मीदवार बुलाएगा उसके प्रचार में हिस्सा लूंगा। वो कहते हैं कि उम्मीदवार तय करना हाईकमान का अधिकार है। प्रदेश अध्यक्ष बनने का मतलब ये नहीं होता कि प्रदेश अध्यक्ष तय करेगा कि कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कार्यकर्ताओं की भावनाएं जरूर सामने रखता है और वो मैंने अपने पत्र के जरिए रखी है। उम्मीदवार चयन करने का फैसला जरूर हाईकमान तय करता है, लेकिन AICC की गरिमा इतनी जरूर होनी चाहिए कि फॉर्मल अनाउंस के पहले PCC को कैंडिडेट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए। देखिए, आपके साथ अलायंस का विरोध करने पर लवली कहते हैं कि मैंने अपने पत्र में कहा है कि दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की मूल भावनाएं इस अलायंस के खिलाफ थी। दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे थे कि जिनके मंत्री करप्शन के आरोप में जेल में बंद हैं, जो हमारे ऊपर करप्शन के आरोप लगाते रहे हों और जिनके खिलाफ हम करप्शन की FIR दर्ज कराते रही हूँ, उनके साथ अलायंस नहीं करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत आरोप लगाने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैंने अपने पत्र में सिर्फ कार्यकर्ताओं के मन की बात कही है, मैंने अभी अलायंस के विरोध में नहीं कहा। अजमाकन और संदीप दीक्षित ने कहा कि अनिल चौधरी ने तो खुद FIR दर्ज कराई है। तो ये जो दर्द है ना अरविंद सिंह लवली का, वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। इधर BJP के साथ जाने के सवाल पर वो कहते हैं कि मैंने कल भी स्पष्ट किया और मैं उस चिट्ठी में भी कहता हूँ, अगर मैं कहीं शामिल होना चाहता हूं तो मुझे एक लाइन का इस्तीफा लिखने से कौन रोक रहा था। मैंने इस्तीफे में कारण इसलिए लिखे शायद उन्हें दुरुस्त कर लिया जाए। जिस तरह से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है उससे अगर पीड़ा ना होती तो क्यों पद छोड़ते, मुझे थोड़ी पार्टी से बाहर निकाला जा रहा था। तो ये अरविंद सिंह लवली का दर्द जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कांग्रेस में आखिर क्या चल रहा है, क्यों कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं, जो हमेशा से कांग्रेस के साथ है सालों सालों से, वो दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं और अपना दर्द इस तरह चिट्ठी में लिख कर दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। कांग्रेस इस चुनाव में कई फ्रंट पर जुटी रही है। चुनाव के बीच में ही उनके नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी रहा। पार्टी छोड़ने के साथ ही पुराने कांग्रेसी पार्टी पर ही कई गंभीर आरोप मढ़ रहे हैं।
अगर इस क्रम में मैं बात करूं दिल्ली में, तो अरविंद सिंह लवली ने पार्टी से सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया। अपने चार पन्नों के त्याग पत्र में लवली ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन को गलत फैसला बताया, साथ ही कन्हैया कुमार का भी जिक्र किया है। उन्होंने अपनी बात ना सुने जाने, सभी फैसलों को बदले जाने का भी आरोप लगा दिया। अरविंदर सिंह लवली की जो टाइमिंग है वो दो चरणों के चुनाव संपन्न होने से ज्यादा दिल्ली के चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दिया है। अरविंदर सिंह लवली की पहचान और प्रभाव दिल्ली में काफी ज्यादा है, ये किससे छिपा नहीं है। वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार में काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके हैं, कांग्रेस का काफी महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं। राजनीतिक घटना का प्रभाव लंबे समय तक और काफी दूर तक पड़ता है। अरविंद केजरीवाल को उभरते हुए और शीला दीक्षित को बदनाम होते हुए अरविंदर सिंह लवली ने देखा है। पहले दोनों से अरविंदर सिंह लवली और संदीप दीक्षित दोनों नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ रहे हैं। चूंकि आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति कांग्रेस और उनकी प्रिय नेत्री शीला दीक्षित के खिलाफ शुरू हुई, इसे लवली उनके साथ गठबंधन करने के पक्ष में थे ही नहीं, पर शायद कांग्रेस ये नहीं देख पाई। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के विकास के कामों को गलत बताते हुए कहा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो उनके भ्रष्टाचार को लेकर जेल भेजने का काम भी करेंगे। बाद के दिनों में अरविंद केजरीवाल भले ही शीला दीक्षित से मिलने भी गए हों, इसी प्रकार से वीपी सिंह भी चुनाव सभा में एक खास तरह की शेरवानी पहनते हुए पॉकेट से एक पर्चा निकालकर कहा करते थे जैसे ही उनकी सरकार बनी तो बोफोर्स के दलालों का नाम उजागर करेंगे और जेल भेजा जाएगा। यह अलग बात है कि 11 महीने उनकी सरकार भी रही और अब वीपी दुनिया में भी नहीं है, पर बोफोर्स के दलालों का कुछ नहीं हुआ। उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने भी शीला दीक्षित के खिलाफ अभियान चलाया। अब दिल्ली में चर्चा होने लगी है, जिस कानून को लेकर अरविंद केजरीवाल दलील देते रहे उसी कानून में रहकर शीला दीक्षित ने दिल्ली में विकास के काम किए, जबकि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी रही थी और वो कांग्रेस की विरोधी सरकार थी। आज उसी कानून को लेकर आए दिन केजरीवाल की सरकार से केंद्र सरकार की ठनी रहती है। शीला दीक्षित के किए गए विकास कार्यों के सामने अरविंद केजरीवाल का विकास एक कंकड़ के जैसा सा समझ में आता है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर संदीप दीक्षित और अरविंद सिंह लवली खिलाफ थे, लेकिन ये विरोध पार्टी के अंदर ही था। इस्तीफा देने की टाइमिंग का जहां तक सवाल है तो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया है, लेकिन जनता को इसका कुछ और ही संदेश हो गया है। जो कांग्रेस की घोर विरोधी आम आदमी पार्टी थी वो आज दिल्ली में चार सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस गठबंधन करके मात्र तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की तो हाल खराब बहुत पहले से थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान में भी इस इस्तीफे से एक सुई सी चुभ गई है, जिससे अब उसकी हवा निकलती जा रही है। दिल्ली की उत्तर पश्चिमी सीट पर जहां से भाजपा ने तीसरी बार मनोज तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी जब तक तय नहीं थी तब तक माना यह जा रहा था कि कांग्रेस की उस सीट पर जबरदस्त टक्कर होगी। माना यह जा रहा था कि कांग्रेस से संदीप दीक्षित वहां से उम्मीदवार तय होंगे। जिस दिन कन्हैया कुमार वहां से उम्मीदवार घोषित हो गए वहां से चुनावी संभावनाएं काफी कम हो गई। भारत एक विशाल देश है, ये हर कोई जानता है। आम जनता कन्हैया कुमार के भाषणों से भले ही खूब प्रभावित हो, लेकिन जेएनयू में जो कन्हैया कुमार ने किया उसे दिल्ली की जनता पूरी तरह से वाकिफ है। दिल्ली की जनता जानती है बेहतर तरीके से। दिल्ली का बड़ा मतदाता वर्ग शहरी है। शहरी वोटर ग्रामीण वोटर की अपेक्षा थोड़ा अलग तरीके से सोचता है। ग्रामीण वोटर थोड़ा सा भावुक हो जाता है, लेकिन शहरी मतदाता कई बार ज्यादा कैलकुलेशन करता है। आम वोटर सभी बातों पर समझौता कर सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता बिल्कुल भी नहीं। कन्हैया की उम्मीदवारी की घोषित होने के साथ ही कांग्रेस के लिए फिर से चिंताएं बढ़ गई हैं। ये चिंता की लकीरें जो हैं वो कांग्रेस पर साफ तौर पर नजर आती है, लेकिन कांग्रेस शायद उसे नहीं देख पा रही है। उम्मीदवारों से परिचय सेशन के समय में खुलेआम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं की ओर से सवाल पूछे गए और संदीप दीक्षित ने भी सवाल पूछे। राजकुमार चौहान ने भी विद्रोह किया, जबकि 1993 में नागलोई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में राजकुमार चौहान भाजपा से देवेंद्र शौकीन और जनता दल से डॉक्टर सतीश यादव चुनाव लड़े थे। उस समय तीनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ विरोध में नहीं कहा और आज भी कोई टिप्पणी नहीं करते। उसके बावजूद राजकुमार चौहान जैसे चालीन नेता ने जो कन्हैया कुमार का विरोध किया तो समझना चाहिए कि कहीं तो फांस गहरी है, कहीं तो दुख गहरा है, कहीं तो दर्द गहरा है, कहीं तो पीड़ा गहरी है। अरविंदर सिंह लवली ने अपने ही नहीं बल्कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को शोभ भी उजागर कर दिया। इस फैसले के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को झटका लगा है। कांग्रेस वामपंथ की शिकार आम आदमी पार्टी की आधी कैबिनेट जेल में है। दिल्ली में चार आपको तो तीन सीट कांग्रेस को है। कांग्रेस मुख्यालय में भी देखा जाए तो पता चलेगा कि जमीनी स्तर पर भी चुनाव को किस तरीके से देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गलती है कि वो आम कार्यकर्ता उसके नेता जो सोच रहे हैं उसकी धारणा की रिपोर्ट कार्यकारिणी तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें केंद्रीय कार्यकारिणी को हस्तक्षेप करना चाहिए।
जमीनी नेता और कार्यकर्ता जमीनी मुद्दों और उसकी समस्याओं को ज्यादा जानता है और वो उस पर अच्छे से काम कर सकता है। कांग्रेस एक बहुत पुराना दल है और पूरे देश में संगठन का एक ढांचा भी रहा है। वो इन मामलों में आंकलन करने में कहीं ना कहीं चूक रहा है और पहले दिन से चूक रहा है। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके पास वामपंथी विचारधारा के लोग आ गए हैं। वामपंथ जमीनी मुद्दों की समझ कम रखता है और एक खास तरह के नेगेटिव नैरेटिव पोल पर काम करता है और उस पर ही वो लगातार बना रहता है। कांग्रेस नेतृत्व फिलहाल वामपंथ के उसी महापोस में फंसा हुआ है और अपने जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझा नहीं पा रहा। अगर उसकी कीमत चुकानी पड़े तो उसमें हैरत भी नहीं है। उसकी कीमत से एक नाम अरविंदर सिंह लवली भी है और आगे ना जाने कितने नाम हो सकते हैं, उससे पहले ना जाने कितने नाम हुए हैं। तो कांग्रेस को अब संभलने की जरूरत है, कांग्रेस को समझने की जरूरत है कि आपके जो पुराने नेता हैं, पुराने जो चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी को यहां तक पहुंचाया है, उनकी बात को सुना जाए, उनके दुख को समझा जाए, उनके दर्द को समझा जाए। और अगर वो पार्टी के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो उनका भी हक है कि वो अपनी पार्टी के लिए अच्छा सोच सके और अपनी बात को रख सके। खैर, अब अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा तो दे दिया है। आगे जो अंदेशा लग रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं करेंगे, ये दूसरा कदम होगा या नहीं होगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। लेकिन इससे कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता है दिल्ली में, ये कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।